ये धनखड़ साहब है ना, मतलब ये भी एक झूठा है और भगोड़ा है। कल हमने टाइम मांगा था कि हम 1 बजे आएंगे और हमसे बातचीत करने के लिए आप हमें यहाँ मिलें, तो जो इनका पीए है उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है आप 1 बजे आ जाना और हमारे धनखड़ साहब यहीं पर मिलेंगे। आज हमें आकर पता चला है कि भाई धनखड़ साहब तो सुबह 6 बजे गुजरात जा लिए, ये ढकोसड़ेबाजी कर रहे हैं, झूठे हैं ये, मतलब इतने बेशरम हैं कि आशाओं से बात करने के लिए भी बैठते हैं। आज कौन सा दिन है? आज हमारा 37वां दिन चल रहा है। बताया गया कि आपके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया, सहमति नहीं बन पा रही, क्या चक्कर? देखो जी, सरकार झूठी है और सहमति इसलिए नहीं बन पा रही, एक झूठ और सच की लड़ाई है ये हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। सरकार कभी तो कोई बयान दे रही है कि हम 19,600 दे रहे हैं, कभी कहते हैं कि और स्टेट से ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमने कहा कि हमारे डेलीगेशन को बुलाओ और कहाँ दे रखे हैं 19,600 रुपए, हमें गिनाओ, आप दे रहे हो और हमें मिल नहीं रहे, तो कहाँ गए पाइए? और हमारी जो मांगे हैं 37 दिन हो गए, आप हमसे बातचीत क्यों नहीं करना चाहते, क्या मतलब है आपका? 4,000 से 26,000 की मांग कर रहे हो आप? हाँ जी। तो ज़्यादा नहीं है? नहीं, कैसे ज़्यादा है? 2018 में हमारी ये बढ़ोतरी की थी, उस टाइम से और आज के टाइम की आप बढ़ोतरी को लगाइए, महंगाई को जोड़ के देखो आप, और तब हमारे 26,000 बताना, हमारे ज़्यादा के कम है, हमने तो बहुत कम मांगे हैं, नहीं तो जैसे कलर्क मांग रहे थे ना, मैं कितना था, 35,400 जो भी था हमारा वो बनता मांगने का, लेकिन हम फिर भी ये सोचते हैं कि भाई सरकार हमारी 26,000 न्यूनतम वेतन लागू कर दे और हमें कर्मचारी का दर्जा दे दे, तो हम इसमें भी संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन जो ये सरकार है झूठी है, आशाओं के साथ शोषण करी है, दमनकारी नीति अपना रही है, और अम्बाड़ा में आज जो हमारी बहन थी उनके साथ भी दमनकारी नीति अपनाई है पुलिस प्रशासन ने, उनको बसों में भरकर ही दूर दूर घुमाया जा रहा है, क्या मतलब है, क्या चाहती है ये सरकार, क्या तरीका है इनका? अब देखेंगे हम 2024 में ये कैसे घूमेंगे, अगर हमको भी, हमने भी इनको ऐसे ही नहीं घुमाया जैसे हमारी आशाओं को घुमा रहे हैं, तो हमारा भी नाम आशा वर्कर नहीं है। कितनी देर हो चुकी है आप लोगों को यहाँ पर? हमने 1 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी यही जुमलेबाजी चल रही है। ये जो इनका पीए है ये बोलता है कि जी आपने ये नहीं कहा था कि हम मिलने आएंगे, आप तो नोटिस दे रहे थे, किस चीज़ का नोटिस दे रहे हैं? नहीं, हम तो आपके हैं, हम संगठन में, हम सरकार में नहीं हैं। तो भाई सरकार में ना थे ना तो ये तो पहले हमारी गरीब पाक है, हमारे तो आश्वासन दिया होता, बोला होता कि ये सरकार निकम्मी है, आप भी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना चाहते, और आप कहते तो हम सरकार में नहीं है, तो हम सरकार में नहीं है किसी सरकार में, और जो सरकार महिलाओं का शोषण करेगी, आशाओं का शोषण करेगी, उसके खिलाफ हमने झंडा उठाया है और आगे भी उठाएंगे, हम शोषण का खात्मा करना चाहते हैं, CITU की यही नीति है।